नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो अभी देखा आप लोगों ने कि बिहार में तो कांड हो ही गया है, जो चीज़ें आप लोग देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये होना ही था। बिहार में जिस तरह से शासन सत्ता चल रहा है और जिस तरह से विधायक सांसदों के खिलाफ ED, IT, CBI की जाँचें लगा करके जेल भी भेजा जा रहा है और कई कई घंटे पूछताछ चल रही है, तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, ये बात सभी आप लोग पूरे देश के लोग भली भांति जानते हैं। अभी भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब तक वो BJP के साथ में गठबंधन NDA के साथ में चीफ मिनिस्टर थे, अभी भी चीफ मिनिस्टर है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब RJD तेजस्वी यादव जी के साथ में वो चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये जो चीज़ें बिहार में हो रही हैं, इससे मुकेश सहनी मंत्री जी बड़े खुश हैं। जिस तरह से उनके पद को छीना गया, उनकी पार्टी को तोड़ा गया, विधायकों को डरा धमका के लालच दे करके जो है अपने साथ में लाया गया, तो उसके बाद पहुँचा आगे चुनाव में भी आप लोगों ने देखा कि जनता ने पूरी दमदारी से मुकेश सहनी का साथ दिया और भाजपा को वहाँ चुनाव नहीं जीतने दिया एक सीट पर, जबकि भाजपा अपने सभी मंत्रिमंडल विधायक सांसदों को पूरा झोंक दिए, 20-20 लोग जो है वहाँ लगा दिए और पूरा दबा के जो है गाड़ियाँ उधर चली प्रचार प्रसार BJP ने। उसके बावजूद भी BJP वहाँ हारी और वहाँ मुकेश सहनी को बहुत बड़े पैमाने पे वोट मिला और RJD की वहाँ सीट निकली थी इसमें। लेकिन एक चीज़ ये भी है देखने की कि क्या ये जो चीज़ें हुई हैं बिहार में, ये सभी चीज़ें एक पैमाने पे अगर देखा जाए तो सही भी हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मुकेश सहनी जी NDA और नीतीश कुमार के साथ में मंत्री थे, मत्स्य और पशुपालन विभाग वो देख रहे थे। अभी नीतीश कुमार ने BJP का दामन छोड़कर जो RJD का दामन अपनाया है, उसमें सुनने में ये आ रहा है कि डिप्टी CM तेजस्वी यादव बनाए गए हैं और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही हैं। और सोशल मीडिया से ये भी खबरें निकल के आ रही हैं कि मुकेश सहनी को फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। अब ये बात कहां तक सही है और क्या ऐसा होने वाला है, तो ये सब चीज़ें तो आप लोगों को मालूम चल ही जाएंगी। लेकिन जहाँ तक बिहार की जनता का सवाल है, बिहार की जनता जहाँ तक सोच पा रही है वो यही है कि मुकेश सहनी को मंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि भाजपा ने उनके साथ धोखा किया। और अगर भाजपा ने उनके साथ धोखा किया तो मुकेश सहनी ने बोचा में भाजपा को हराकर बदला भी लिया और अब जो खुद लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे थे, आज उनके साथ ये व्यवहार हो रहा है और भाजपा बिहार में सरकार से बाहर हो गई है। और निरंतर सोशल मीडिया पे चीज़ें ये भी निकल के आ रही हैं कि बिहार की जैसी स्थिति अन्य प्रदेशों में भी बन सकती है, जिस तरह से विधायक सांसदों के पीछे ED, CBI और IT लगा करके उनसे जो है पूछताछ चल रही है, तो उससे देश के विधायक सांसद जो हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि डरे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर परेशान हैं। और इस परेशानी को देखते हुए वो लोग ऐसा ठोस निर्णय ले सकते हैं। जैसे हम अगर अब बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी BJP की गवर्नमेंट है, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन NDA में बहुत सारी पार्टियाँ जुड़ी हुई हैं। और अगर NDA से कुछ पार्टियाँ खिसक जाती हैं, दामन छोड़ देती हैं BJP का, तो उत्तर प्रदेश की सरकार को भी गिरने में कोई ज़्यादा बड़ा समय नहीं लगेगा। और ऐसी सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं, तरह तरह के लोगों के कमेंट आ रहे हैं, तरह तरह के लोग पोस्ट कर रहे हैं, वीडियो डल रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है निकल के सोशल मीडिया से आ रही है। और मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना करके ये सब बातें आप लोगों को बताऊं। तो आप लोग कमेंट करके अपनी राय दीजिए कि जो बिहार की स्थिति बनी है, क्या वो अन्य प्रदेशों में बन सकती है, और बन सकती है तो किस प्रदेश में। जैसे देखा जाए कि जो स्थिति बिहार में मछुआ समुदाय निशा समुदाय की है, वही स्थिति तो UP में भी है। और बिहार में मंत्री मुकेश सहनी जी थे तो निशा समाज को जो है आगे बढ़ने का अवसर मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी निशा समाज के मंत्री हैं, मत्स्य और पशु, उधर बिहार में पद छीना गया,
इधर बिहार में पद, उत्तर प्रदेश में पद मिल गया, उधर भी निषाद के बेटा थे, इधर भी निषाद के बेटा हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इधर डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, और डॉक्टर संजय निषाद जी को मुझे लगता है कि 3-4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है सरकार में रहते हुए, कोई ऐसा लाभ तो नहीं देखने को मिला कि निषाद समाज को दिया गया हो। हाँ, एक उनका कमेंट तो ज़रूर आया था कि निषाद समाज को जो है मछली मारना सिखाएंगे, उस पर हमने अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी कि भैया अब निषाद समाज के पास मछली मारने के अलावा काम बचा क्या है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं और तुम नौकरी दे नहीं सकते हो, मछली ही मरवाना सिखाओगे, ISP से उसको समाज बनेगा नहीं, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर वकील हैं अधिकारी कर्मचारी तो बनेगा नहीं, तो मछली मारना सिखाएंगे, वो तो भैया हमारा जो है वर्षों से हजारों वर्षों से चला हुआ आ रहा है पेशा, उसको तुम क्या हमें सिखाओगे, तुम खुद उस पेशे से निकल करके आए हो, आज समाज के दम पे मंत्री बन के बैठे हो, अच्छा है चलिए ठीक है समाज के लोग आगे बढ़े हैं मंत्री बने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह की चीज़ों में आकर के इस तरह की कमेंट करने लगो। तो ये सब चीज़ें हैं, तो बिहार के अलावा अन्य प्रदेशों में भी जो बिहार में हुआ है, अन्य प्रदेशों में भी हो सकता है कि ऐसा माहौल बने, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है या नहीं मिलेगी, ऐसा अगर होगा तो सोशल मीडिया आप लोगों से दूर नहीं है, आपके बीच में हम हर टाइम रहते हैं और ऐसी कोई भी खबर होगी तुरंत आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाती है। और वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि यार आप लोग जो है अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और अपने स्वास्थ्य के बारे में भी जो है अपना थोड़ा सा जो है ध्यान रखिए, क्योंकि अभी देश हमारा और देश के लोग कोविड जैसी परिस्थिति से गुजरे हैं, और अभी कोविड में जो लोग कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जिनको काम बिजनेस या छोटे मोटे काम करते थे उन लोगों के कार्य उस स्तर पे उस पैमाने पे नहीं हो पा रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ कर के मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी ये दे देना चाहता हूँ इस वीडियो में। अभी क्या है कि लखनऊ के अंदर रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर हैं, लगभग 250-300 प्रोजेक्ट हैं। अभी जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है उसके दोनों तरफ सर्विस लाइन पे गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल हब बनाने का विचार है, और लगभग उसके लिए 200-300 एकड़ ज़मीन एक्वायर की गई है दोनों साइड, और आप देख सकते हैं शहीद पथ के किनारे भी बहुत डेवलपमेंट है, और शहीद पथ के किनारे बहुत डेवलपमेंट है, तो यहाँ पर भी आप अगर छोटा मोटा कुछ भी इन्वेस्टमेंट करके भविष्य में अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए 9457301956 9457301956 इस नंबर पर संपर्क करिए, और आपको तमाम प्रकार की जानकारियाँ दी जाएंगी, और अच्छी अच्छी लोकेशन पे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लान भी हैं, आप तुरंत मकान बना के रहना चाहें ऐसी भी साइड हैं, और बहुत सस्ते दामों में है, मात्र आप मान के चलिए कि लगभग 400 रुपये प्रति स्क्वायर फीट से लेकर के 1200-1500 रुपये स्क्वायर फीट तक की हमारे पास में साइड हैं, 400 में, 600 में, 800 में, 1000 में, 1100-1200 इस तरह से साइड हैं, जहाँ पर आपको अच्छी लगे वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करके भविष्य में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो ये तो था रियल एस्टेट का बिज़नेस। इसके अलावा आप किसी भी तरह का कोई भी बिज़नेस अगर करना चाहते हैं तो मैं बिज़नेस के बारे में उसको करने के लिए भी जो है जानकारी लोगों को देता हूँ। मेरा एक दूसरा चैनल भी चलता है AK सिद्धार्थ ऑफिशियल, जिसमें मैं बिज़नेस की टिप्स डालता रहता हूँ, तो उस विषय में भी आप इससे अलग भी अगर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मैंने जो नंबर बताया है उस पर संपर्क कर सकते हैं, और मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है और चैनल के अबाउट में भी मेरा नंबर है, आप किसी भी विषय पर अगर हमसे बात करना चाहते हैं हमसे बात कर सकते हैं, आपका कोई आप अपना वीडियो चलवाना चाहते हैं हमारे चैनल पे अपना वीडियो भी आप चलवा सकते हैं, आप कोई अगर बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रमोशन कराना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे चैनल पे कर सकते हैं। ये तमाम सुविधाएं जो हैं हम आप ही लोगों के लिए लाए हैं ताकि चैनल के माध्यम से तमाम देश के लोगों तक ये सभी जानकारी पहुंच सके। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही साथियों, बिहार के जो हालात हैं हो सकता है भविष्य में किसी और प्रदेश में भी देखने को मिले, फिलहाल सिर्फ इतना ही, अभी दूसरे प्रदेशों में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि हो सकता है कि बिहार में मुकेश साहनी जी को भी जब नई जो सरकार बनी है RJD के साथ गठबंधन करके, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, डिप्टी CM तेजस्वी यादव हैं, और मंत्रालय अगर मुकेश साहनी जी को भी मिलता है तो उनके साथ जो धोखा हुआ है उस पर मरहम लगाने का काम RJD और नीतीश कुमार की पार्टी कर सकती है, और ये सही भी है, जो लोग धोखा खाए हैं उनको समझ आ गया है और उनका साथ देना चाहिए, ऐसी हम लोग जो है उम्मीद रखते हैं बिहार की सरकार से, और बिहार की सरकार से अन्य प्रदेश के लोग सीखें
तानाशाही किसी की ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मस्त रहिए, खुश रहिए, मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, चैनल को प्यार और देते रहिए अपना साथ। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।